खाना ले लो भैया, भैया खाना ले लो, खाना ले लो। दिल्ली वॉल पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। इन लोगों को खाना नहीं चाहिए, खाना लेके आए नगर निगम से। खाना नहीं चाहिए तो फिर चलो खाना चाहिए तुम्हें भाई, सबने खा लिया। चलो ठीक है, और फिर पार्षद के लिए क्यों दे रहे हो आप? अरे खाना पार्षद ने भिजवाया, पार्षद ने खाना भिजवाया, भैया ले लो। सर हम खुद नगर निगम कर्मचारी है और बतौर एक सेवा के माध्यम से हमारे जो पार्षद साहब है नगर निगम से जो खाना आ रहा है वो डोर टू डोर जो गरीब परिवार है उनको लगातार खाना वितरित कर रहे हैं। उसके बावजूद यहाँ हमारे नवाब के बेड़े के अंदर बागड़ी बस्ती है, उस बागड़ी बस्ती के अंदर वाल्मीकि समाज के कुछ कार्यकर्ता लग करके खाना वितरित करने गए थे और लगातार खाना वितरित करने जब जब जाते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं कि वाल्मीकि समाज के हाथ जो लड़के आएंगे उनके हाथों से हम खाना नहीं लेंगे। क्या कर रहे हैं वो? कहते हैं कि हम जिस प्रकार से वाल्मीकि समाज है, वाल्मीकि समाज से आज भी उनके दिमाग में वही जातिवाद और छुआछूत वाला माहौल, जबकि वो खुद बहुत ज़्यादा गंदे रहते हैं, फिर भी आज वाल्मीकि समाज से वो जातिवाद कर रहे हैं, जबकि वाल्मीकि समाज पुरजोर हर तरीके से सेवा दे रहा है। चाहे सफाई की व्यवस्था से ले लो, चाहे खाने वितरित की व्यवस्था से ले लो, हर तरीके से वाल्मीकि समाज अपना पूरा समर्थन दे रहा है। उसके बावजूद भी उन लोगों की स्थिति देखो है कि पार्षद अभी तक वार्ड में नहीं है। सर पार्षद, मैं खुद स्वयं पार्षद के साथ में, मैं सरकारी नौकर हूँ, मैं खुद गया हूँ। अगर उस एरिए में कैमरे लगे हुए हो तो आप चेक करवा लो, वहाँ का एक पानी वाला है रशीद भाई, उनसे पूछ लो। पार्षद वो सज्जन कंवर जी है, उनसे पूछ लो ओके हम खाना लेके गए थे नहीं गए थे। वो कह रहे हैं कि सूखा आइटम भी दे। सर सूखा आइटम के लिए उनको कहा था कि भाई आपको अनाज दे दे, तो बोले अनाज वाल्मीकि समाज के लोग पैक करेंगे, हमें अनाज नहीं चाहिए, हमें बोरी ला के दो जो उसमें से हम खुद लेंगे। उनको बोला पैकेट करके ला के दे तुमको, बोले नहीं वाल्मीकि समाज के लोगों से आप पैक करवाओगे। तो पार्षद से हमने बात करने के लिए कहा तो उन्होंने हमारे को मीडिया से भी रूबरू नहीं हुए वो। क्यों सर वो इस चीज़ को लेकर के आहत है कि मैं इतना करते हुए भी लगातार मेहनत कर रहा हूँ, लोगों को दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी मतलब जनता मान नहीं रही है, इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रही और जातिवाद दिखा रही, तो ऐसे लोगों को क्या खाना देना है? मेरा नाम गौरी शंकर है सर। पार्षद सभी जगह जा रहे हैं पार्षद साहब, और वार्ड नंबर 13 में हर जगह गरीबों को खाना दिया जा रहा है। वार्ड नंबर 13 में जो बागड़ी बस्ती है, बागड़ी बस्ती में पार्षद सब भी गए थे, हमारे और भी कार्यकर्ता है, हम खुद सब लोग वहाँ गए थे। कहना कि पार्षद आए नहीं है। नहीं पार्षद साहब वहाँ गए थे, वो तो पार्षद पर जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं, फ़ोन करके पीछे से जाते हैं, कहते हैं हमें परचूनी दुकान से सामान दिला दो, पैकिंग सामान हमें दे दो, हम वाल्मीकि समाज के बंदों से खाना नहीं लेंगे, कोई भी सामान नहीं लेंगे। पार्षद ने कहा हम तुम्हें गेहूँ दिला दे, बोले गेहूँ वाल्मीकि समाज के लड़के पैक करेंगे हम नहीं लेंगे। वाल्मीकि समाज से उनको छुआ छुआ थे, मतलब सफाई करते थे, वो वहाँ उनको ऐसा लगता है तो उनको वाल्मीकि समाज जहाँ रहता है वहाँ से छोड़ के चले जाना चाहिए उनको। आज भी खाना वितरण करा आपने? बिल्कुल, खाना हमारे पास है, ये खाना ये बाल्टी सब हमारे साथ है। हम तीन जने पार्षद ऊपर पीर रोड पे भी उन्होंने मना कर दिया, समाज खाना बांटने गया था। हाँ खाना लिया उन्होंने? नहीं नहीं लिया, खाना मना कर दिया उन्होंने। क्यों, क्या कह रहे हैं? वही कह रहे हैं वाल्मीकि समाज से हम खाना नहीं लेंगे, खुला खाना जो आ रहा है वो नहीं लेंगे हम। नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। देखिए हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकेंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-7804-6। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।